हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है बिकॉज आई एम गोना शेयर विद यू गाइस माय ज्वेलरी कलेक्शन। ये वीडियो मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ एंड इंडोर मैं सेकंड टाइम शूट कर रही हूँ। सो गाइस, वेदर की वजह से ज़्यादा आउटडोर नहीं हो पाता है, तो बेटर है कि मैं घर पर सेफली ये वीडियो शूट भी कर सकती हूँ। एंड मैंने ये सोचा कि मैं अपनी ज्वेलरी कलेक्शन आज उसका एक फुल वीडियो अपलोड होगी। एंड आज मैं फोकस करूँगी फाइन ज्वेलरी एंड कस्टम ज्वेलरी। एंड आई एम टोटली ऑब्सेस्ड विद ज्वेलरी। आई लव डेटी ज्वेलरी, स्टेटमेंट ज्वेलरी, ओल्ड शिमरी, इन शॉर्ट आई लव ऑल ऑफ देम। तो जितनी भी मेरे पास ज्वेलरी है मैं सब दिखाऊंगी। वेल, अ पार्ट ऑफ बींग ब्यूटिफुल एंड जस्ट एलिवेटिंग द होल लुक, आई फील ज्वेलरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। सो मैंने अपनी ज्वेलरी 23 की एज में लेना शुरू कर दिया था। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज इन फाइनल ईयर एंड मेरी मम्मा ने मुझे डायमंड इयर रिंग्स गिफ्ट किए थे। एंड देन धीरे धीरे हर बर्थडे पे कभी चेन, इयर रिंग्स, रिंग्स, यही चीज़ें गिफ्ट मिलती थी। तो वो बोलते थे कि ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन चीज़ों को संभाल के रखा करें। तो मैंने वही माइंड में रख के तो मैं आगे चल रही हूँ। एंड वेल, मैं तो अपनी वीडियो से यही बोलना चाहूँगी कि स्टार्ट बाइंग योर ओन ज्वेलरी, स्टार्ट हैविंग बैकअप, स्टार्ट बीइंग अपार्ट बीइंग फाइन ज्वेलरी। कस्टम ज्वेलरी भी होने वाली है, सो वो बस मैंने अपनी पसंद से लिए हुए हैं। इट डजंट हैव टू बी एन इन्वेस्टमेंट। इफ़ आई लाइक इट आई बाय इट एंड आई कीप अ बैलेंस बिटवीन बोथ। सो इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। सो आई होप यू गाइज आर एक्साइटेड अबाउट इट एंड विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके जी, आई थिंक मैं रिंग से स्टार्ट करती हूँ एंड दीज आर द थिंग्स विच लुक लाइक एंड दिस इज़ द फर्स्ट रिंग। ओके, मैं अपनी जो रिंग्स छोटे छोटे बॉक्सेस में रखती हूँ जिसमें कॉकटेल अलग से होती है, स्टोन्स रिंग्स अलग से होती है, कस्टम ज्वेलरी अलग से रखती हूँ एंड सिल्वर ज्वेलरी अलग से होती है, डायमंड ज्वेलरीज अलग से रखती हूँ ताकि वो मिक्सअप ना हो और जब भी आपको कोई चीज़ चाहिए होती है तो आप इजीली आपको वो मिल जाए। एंड फर्स्ट रिंग ये मेरी फेवरेट रिंग है। इसमें ये कॉकटेल रिंग है। आप डेली बेसिस पे मैं इसको लगाती नहीं हूँ, पहनती नहीं हूँ, तो दिस इज़ द फर्स्ट रिंग एंड दिस रिंग इज़ फ्रॉम मुल्कराज ज्वेलर। ये हमारे ख़ानदानी ज्वेलर हैं एंड ये मेरी मम्मा के टाइम से चलते आ रहे हैं। मम्मा भी वहाँ से ही शॉपिंग करते थे, तो अब हमारी जनरेशन है, हम भी वहाँ से ही लेते हैं और हम उनकी जो रेंज है, जो कलेक्शन है वो ह्यूज है, बहुत प्यारी कलेक्शन है। तो वहाँ के अलावा तो हम कहीं जाते भी नहीं हैं एंड मेरी कलेक्शन में हार्डली एक या दो रिंग्स ऐसी होंगी जो कोई और ज्वेलर की होंगी, जो कि गिफ्टेड भी हैं एंड एक दो रिंग्स मैंने सिल्वर लाइन से भी खरीदी हुई हैं जो कि डायमंड ज्वेलरी है। एंड दिस रिंग इज़ वेरी प्रिटी एंड इसके साथ ये तो अभी रिंग, बस मैं आपको रिंग दिखा रही हूँ। इस रिंग के साथ पूरा सेट है, पेंडेंट, इयर रिंग्स एंड रिंग। इसके साथ और कुछ है नहीं, बस इतना ही है। आप देख सकते हैं इसके साथ छोटे छोटे डायमंड्स भी हैं एंड और इस रिंग को बनाने में, ये मैंने ऑर्डर बेस पे बनवाया था एंड ये रिंग बनाने में मुझे 3 वीक्स लगे थे। ओके, नेक्स्ट अगेन कॉकटेल रिंग मैं पहन के दिखाती हूँ, भी आएगी नहीं। ये भी पूरा सेट है, मैं बस रिंग आपको दिखा रही हूँ। ये रजवाड़ी टाइप एक, तो इसके साथ भी मेरे कड़े हैं, बैंगल्स हैं, वो भी काफ़ी हैवी है, तो वो मैं रिंग लेके आई हूँ। वेरी प्रिटी एंड दिस इज़ आल्सो फ्रॉम मुल्कराज ज्वेलर। ओके, वन मोर, दिस इज़
वेरी ब्यूटीफुल, वेरी 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 ब्यूटीफुल रिंग. एंड ये डायमंड रिंग है. एंड दिस रिंग इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट. ये मुझे बहुत अच्छी लगती है ये वाली रिंग. एंड सी दिस रिंग इज़ ऑल्सो फ्रॉम उल्करा ज्वेलर. और ये सिंगल कॉकटेल रिंग है, इसके साथ कोई सेट नहीं है, कुछ नहीं है. और ये रिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है. और इस रिंग को मैं बहुत कम पहनती हूँ, हार्डली एक बार पहनी होगी. ओके, दिस इज़ अनदर रिंग. ये भी डायमंड रिंग विद प्लैटिनम है, ये प्लैटिनम में है. एंड ऑब्वियसली जो कॉकटेल्स होते हैं ये काफ़ी कॉस्टली रहते हैं, और ये आप डेली बेसिस पे नहीं पहन सकते हैं. मैं तो बिल्कुल भी नहीं पहन सकती. मैं तो सिंगल रिंग भी नहीं पहन सकती, एज़ यू नो कि क्लिनिक पे ग्लव्स वगैरह सर्जरी के लिए यूज़ होते हैं, तो ग्लव्स टेयर ऑफ हो जाते हैं, तो मैं नहीं पहनती हूँ, फट जाते हैं ग्लव्स. तो मैं कोशिश करती हूँ ना मैं अपने नेल्स रखती हूँ, ना नेल पेंट, एंड ना ही नेल पेंट बहुत यूजुअली लगाती हूँ मैं. एंड अपने हैंड्स बहुत क्लीन रखने पड़ते हैं, क्योंकि क्या पता कब कौन सा पेशेंट आ जाए, कौन सी सर्जरी करनी पड़े. तो मेक श्योर आपके हैंड्स हमेशा क्लीन होने चाहिए, कोई नेल्स वगैरह नहीं होने चाहिए, एक सर्जन की खासियत होती है. ओके ओके, अब कॉकटेल ड्रिंक्स मैं इतनी लेके आई थी, ज़्यादा नहीं लेके आ सकती थी लॉकर से. सो अब मैं आपको डेटी ड्रिंक्स दिखाऊँगी, पहन के दिखाती हूँ. दिस रिंग इज़ वेरी 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 प्रिटी, वेरी डेटी रिंग तो ज़रूर जाएगी उस पर. ओके, इसकी जो आप देख सकते हैं, इसमें जो क्रिस्टल्स है, जो डायमंड्स है, सॉरी नॉट क्रिस्टल्स, दीज आर डायमंड्स, जो डायमंड्स हैं वो जो अप एंड डाउन में हैं. तो ये चीज़ मुझे इसका डिज़ाइन बहुत पसंद है. हाँ, ये ऑर्डर बेसिस पे बनाया हुआ है. सी, बहुत प्यारी रिंग है ये भी. ओके, मुझे स्टोन्स बहुत पसंद है. मैं स्टोन्स रिंग्स आपको दिखाऊंगी. मुझे स्टोन्स रिंग्स बहुत पसंद है. और दिस वन, ये भी बहुत प्यारी है. एंड ये जितनी भी रिंग्स है ये सारी मुल्करा से ही ली हुई है, जो हमारे ख़ानदानी ज्वेलर है. एंड ये रिंग भी बहुत प्यारी है. एंड दिस रिंग, ये डायमंड रिंग है, छोटी सी है बट डायमंड है. ये भी बहुत प्यारी है. इसके जो छोटे छोटे डायमंड्स लगे हुए हैं, एक बड़ा डायमंड है, एक छोटे छोटे डायमंड्स लगे हैं साइड से. ये भी ऑर्डर बेसिस पे बनवाई है. ये ऑर्डर बेसिस पे नहीं, रैंडमली पिक की हुई है. एंड ये डेली बेसिस पे यूज़ हो सकती है ये वाली रिंग. ये मुझे कज़न ने गिफ्ट की है. ये मुझे बहुत प्यारी लगती है, क्योंकि लाइट वेटेड आप डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हो. ऐसा फील ही नहीं होता कि हाँ इतना हैवी हमने कुछ लगाया हुआ है, बहुत लाइट है. ओके, ये अनदर वन, ये भी गिफ्टेड है ये रिंग. ये मेरे जीजू ने मुझे गिफ्ट किया हुआ है, जब मेरी सिस्टर की शादी थी तो उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था ये. और ये भी बहुत प्यारी रिंग है, लाइट वेटेड है और बहुत अच्छी है, और किसी भी फिंगर में ये फिट हो सकती है. बहुत प्यारी है. इसमें भी छोटे छोटे डायमंड्स हैं, क्रिस्टल्स हैं. एंड दिस रिंग, दिस इज लव, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट की हुई है ये वाली रिंग. इसमें फिट नहीं आ रही है. ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया हुआ है. एंड इस रिंग के साथ पेंडेंट भी है, और इयर रिंग्स अभी नहीं है इसके साथ, इसके साथ सिर्फ पेंडेंट. ओके, लिस्ट, ये
सबसे प्यारी रिंग है, ये मुझे मम्मा ने गिफ्ट की थी एंड ये सॉलिटेयर है और विद प्लैटिनम। ये बहुत, मैं बहुत कम पहनती हूँ इसको। सी ये डायमंड है, ये बहुत प्यारी रिंग है और माय फेवरेट वन। ओके, ये गोल्ड रिंग्स थी जो मैंने आपको दिखाई। अब मैं आपको कुछ कस्टम ज्वेलरी दिखाऊंगी। नो नॉट लीस्ट, अभी और है दिस वन, ये भी प्लैटिनम ज्वेलरी है। सी, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं अपनी ज्वेलरी किसी को दिखाऊंगी। एंड दिस वन, ये ज्वेलरी काफ़ी डेटी है, ये किसी भी कॉस्ट्यूम पे जा सकती है, वेदर आप वेस्टर्न पहनो, आप इंडियन पहनो, आप कुर्ता, जो भी आपको पहनना होगा। ये रिंग सारी विदाउट जो ये है कॉकटेल है, कॉकटेल नहीं पहन सकते हम डेली बेसिस पे, बट ये रिंग्स हम पहन सकते हैं। ओके, अब आ गई कस्टम ज्वेलरी। कस्टम ज्वेलरी फर्स्ट दिस वन, ये कुर्तीज पे ये कस्टम ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है, मैंने ट्राई किया हुआ है और ये एडजस्टेबल है, ये कस्टम में है और ये एडजस्टेबल है। सी, आपको जिसके भी फिंगर में पहनना होगा आप पहन सकते हैं। ओके, दिस आई लव दिस वन। सी, ये भी कुर्तीज पे जीन्स वेस्टर्न जो भी आप पहनो, सीरियसली बहुत अच्छी है। और मुझे स्टोन्स बहुत पसंद है, मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मेरे जो मेरी जो कलेक्शन हो ज़्यादातर स्टोन में हो, तो मुझे स्टोन्स बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड आई लव दिस वन, आई लव दिस वन, ये रह गई थी दिखानी रह गई थी, आई लव दिस वन। और ये मेरे हाथों पे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मैंने दो तीन बार स्टेटस रखा था तो सारे पूछ रहे थे कि कहाँ से ली कहाँ से ली, सो मैं बहुत कम पहनती हूँ इसको। दिस वन इज माई फेवरेट। री बनवाई है ये, आपने एक वीडियो में भी मैंने शेयर किया और शॉर्ट्स में शेयर किया हुआ है। ये कस्टम बेस्ड है, मैंने ये ऑर्डर पे बनवाया था एंड ये रियल पर्ल्स है, रियल पर्ल्स, बट इसका इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। तो सी, इसके साथ मैंने ये दो बनवाए थे, वेरी ब्यूटीफुल, ये मेरे बहुत फेवरेट है, मेरे तो सारी ज्वेलरी फेवरेट है। एंड इसके साथ ये रिंग एंड चौक, माई फेवरेट। ये मैंने स्पेशली ऑर्डर पे बनवाए थे और ये जो पर्ल्स हैं ये ज़्यादातर पाउडर और लेह लद्दाख टाइप साइड ही ज़्यादातर पाउडर में बनते हैं, और जो ये मैंने ऑर्डर पे बनवाए थे ये मैंने रियल पर्ल्स में बनवाए हैं, और मैंने वो पाउडर से ही थे जिनसे मैंने ये सेट बनवाया था, वो बना नहीं रहे थे बट मैंने ज़बरदस्ती बनवाया था। ओके, वॉट नेक्स्ट, ये कस्टम ज्वेलरी में है, ये आप, ये पेंडेंट है और ये आप वेस्टर्न में पहन सकते, वेस्टर्न टॉप्स पे ज़्यादातर जाता है, ये इंडियन लुक पे नहीं जाता है। और ये मेरी कज़न ने मुझे गिफ्ट किया था, ये मैंने संभाल के रखा है नादिया, देखो मैंने संभाल के रखा हुआ है। और सबसे अच्छी बात, ये एडजस्टेबल है, आपको नेक पे चाहिए चौकर टाइप चाहिए, आपको हाई लो में चाहिए, जो भी चाहिए आपको मिल जाएगा, ये एडजस्टेबल है। और ये चीज़ मुझे बहुत, ये मुझे बर्थडे गिफ्ट मिला था और मैंने ये संभाल के रखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट, ये सिल्वर में है, ये सिल्वर में है, इस सिल्वर को मुझे लगता है शायद 9-10 ईयर्स हुए हैं, बट जो हॉलमार्क सिल्वर होता है उसको ऑब्वियसली उसका कलर चेंज नहीं होता है। और इसके साथ इसके इयररिंग्स भी हैं, बट अभी मेरे पास यही था तो मैंने सोचा चलो मैं दिखा दूँ। ओके, ये इयररिंग्स मैंने शिमला से लिए थे। और सो गाइज, ये थी मेरी ज्वेलरी कलेक्शन, कैसे लगी आपको मेरी ज्वेलरी कलेक्शन मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ज्वेलरी कलेक्शन कैसी लगी है और कौन सी ज्वेलरी आपको मेरी पसंद आई है। ये बहुत कम ज्वेलरी मैंने पिक
की थी ब्लॉग के लिए. सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.